हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं हरी प्याज और आलू की लाजवाब रेसिपी, जिसे आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमने ली है 1 किलोग्राम हरी प्याज, 500 ग्राम आलू। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से धोकर हमने कढ़ाई में कर लिया है। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सरसों का तेल। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करके फुल फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। पानी का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। सब्ज़ी को हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे और उसमें चम्मच चलाते भी रहेंगे। पानी बहुत अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब हम इसे बहुत अच्छे से लो फ्लेम पर भूनेंगे। जितने अच्छे से हम इसे भूनेंगे, मसालों का जायका इसमें उतना ही लजीज आएगा। इसीलिए हम इसे लो फ्लेम पर बहुत अच्छे से भूनेंगे। सब्ज़ी बहुत अच्छे से भुन चुकी है, बहुत ही लजीज खुशबू इसमें से आ रही है। सर्व करने से पहले आप इसका नमक टेस्ट कर लें। नमक अगर आपको कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। इसे आप चावल की रोटी और पराठे के साथ सर्व करें, बहुत ही लजीज टेस्ट आता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।